गाइस कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें हमें जो है एक भी कटिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही डिवीजन के द्वारा यानी कि रूट डिवीजन के द्वारा आप कितने सारे प्लांट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। और अगर आपको अपने गार्डन में वही प्लांट की एक रो बनानी है या एक स्पेशल कॉर्नर बनाना है तो उसके लिए आप ढेर सारे प्लांट्स जो हैं बना सकते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही प्लांट्स की लिस्ट लेकर आप सभी के लिए आई हूँ जिन्हें आप रूट डिवीजन के द्वारा बहुत सारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको जो मैंने कटिंग्स लगाई थी उनका अपडेट भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कटिंग्स लगा तो लेते हैं और बहुत बार मैंने दूसरों की वीडियोस में इस तरह के कमेंट देखे कि आपने कटिंग का जो है अपडेट तो दिया ही नहीं कि कटिंग चली भी है कि नहीं। तो देखिए, मैंने एक दिन बहुत सारी 50 से भी ज्यादा कटिंग्स लगाई थी और उनकी जो है मैं अपडेट देती हूँ। जैसे अगर आपने 100 कटिंग्स या 50 कटिंग्स लगाई हैं तो उनमें से 20 या 23 या 24 इस तरह की कटिंग्स ही जो है आपकी सक्सेसफुल होती हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी कटिंग कितनी परसेंट सक्सेसफुल हुई है और हुई भी है कि नहीं। तो देखिए, ये जो है गुड़मार की कटिंग, मैंने सॉरी इंसुलिन प्लांट की कटिंग लगाई थी और ये देखिए इसके बराबर से प्लांट निकल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बराबर से प्लांट निकले और ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट जो है बिल्कुल स्टेम में से ही निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि स्टेम में से भी प्लांट निकल रहा है और बराबर से भी निकल रहा है। ये दोनों के दोनों इंसुलिन प्लांट है और मैं इन्हें जो है जिनको भी शुगर से रिलेटेड या डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है मैं उनको देने वाली हूँ। पर लगाई हुई है मैंने ज्यादा से ज्यादा गुड़मार की कटिंग। और देखिए, गुड़मार तो जो है ज्यादातर प्लांट पर से ही उगना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि स्टेम से ही आपको न्यू लीव्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन गुड़मार में भी ऐसा हो सकता है कि जो स्टेम अगर आपकी कमजोर है तो उसके बराबर से जो है आपको प्लांट निकला हुआ नजर आएगा। दोनों ही प्लांट्स में ऐसा ही हुआ है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस चीज के लिए, क्योंकि अब तक गुड़मार जो है वो लीफ जो है स्टेम के ऊपर ही निकल आती थी, लेकिन इस बार जो है आपको जो है इसके जड़ के बराबर से भी आपको न्यू प्लांट निकला हुआ नजर आ जाएगा। तो आपको थोड़े से पेशेंस की जरूरत होती है। ये अपडेट जो है मैं 15 दिन बाद का दे रही हूँ। ये वीडियो मैंने आप लोगों से 15 दिन पहले शेयर की थी और आपको सभी जो है जितनी भी मेरी कटिंग्स है उन सभी का अपडेट दूंगी। ये देखिए, ये जो है मेरे इंसुलिन प्लांट के है, इसमें भी बराबर से निकली हुई है और इसके जो है आप स्टेम पे से देख सकते हैं। मैंने अभी तक स्टेम पे से निकली हुई अभी तक एक बार भी इंसुलिन की जो है अपडेट आप लोगों को नहीं दिया। ये मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और आपको जो है ये जो आपका गार्डन होता है ना, एक प्रयोगशाला की तरह हो जाता है। यहाँ पर आपको रोज नए नए प्रयोग करने पड़ते हैं। ये देखिए, ये भी बराबर से निकली हुई है और अभी तक इसमें से जो है इनमें से एक भी स्टेम मुझे नजर नहीं आ रही है। सूखने के बाद भी स्टेम निकल आती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी भी मैं पूरा का पूरा पेशेंस के साथ इनको जो है अलग ही रखूंगी। जैसे ही इन्हें आप बड़े गमले में शिफ्ट करते हैं, अभी इनको शिफ्ट करने का टाइम नहीं है। जब तक ये पूरा एक प्रॉपर प्लांट नहीं बन जाता हमें इसे शिफ्ट नहीं करना चाहिए। आपको बता देती हूँ कि रूट डिवीजन से आप कौन कौन से प्लांट्स को जो है बना सकते हैं और इसमें जो है बहुत सारे महंगे प्लांट्स भी शामिल हैं जिन्हें आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अगर आपके पास आसपास ही कहीं पर हैं तो आप उनसे भी ले सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट प्लांट है वो स्पाइडर प्लांट है। देखिये, इस बार स्पाइडर प्लांट जो है पूरी तरह से खराब हो गया था, लेकिन मैंने जो इसकी सूखी सूखी पत्तियां थी बहुत दिन तक हटाई नहीं, ऐसे ही लटकी रहने दी, तो बीच में से निकल आई हैं ये ग्रीन वाली, यानी कि नए जो है प्लांट अपने आप ही निकलने स्टार्ट हो गए थे। तो इसको भी आप रूट डिवीजन के द्वारा यानी कि अलग अलग करके आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पाम का प्लांट। देखिए, ये जो है प्लांट मैंने वैसे तो कटिंग से लगाया था और आज तक किसी ने कटिंग से पाम लगाया हुआ नहीं देखा होगा और मेरा ये चल भी गया है तो, लेकिन इसके बराबर से जो है ढेर सारे प्लांट्स निकल आए हैं अपने आप ही। एक ही कटिंग थी, ये देखिए अभी भी एक कटिंग जो है ये रही, ये सूख गई है और इसमें से ये रूट भी निकली थी और इसको मैंने अब हटा दिया है क्योंकि अब ढेर सारे प्लांट्स इसमें से निकल आए हैं। तो ये इसको पूरा प्रॉपर बनने में 2 साल का समय लगा। मैंने इस गमले में और कुछ भी नहीं उगाया और सिर्फ इसकी एक कटिंग को लगाकर छोड़ दिया था। इस गमले को मैंने एज इट इज एक कॉर्नर में लगाया हुआ था, धूप में ही रख दिया था, लेकिन पौधों के बीच में था इसलिए इस पर बहुत ज्यादा धूप भी नहीं पड़ रही थी। तो पाम जो है, पाम किसी भी तरह का पाम आप जो है रूट डिवीजन से अलग कर सकते हैं। पाम भी काफी कॉस्टली आते हैं। आप किसी भी प्लांट को पाम को लेने जाते हैं तो आपको 150 से 200 रुपए के बीच में जो है माली देते हैं। तो आप इसको रूट डिवीजन से जो है एक्स्ट्रा कर सकते हैं अपने, जैसे पाम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और ऑक्सीजन गिविंग प्लांट तो होते ही हैं, तो आप इस प्लांट को रूट डिवीजन से अपने ही गार्डन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
ये है इंसुलिन का प्लांट, और इंसुलिन के प्लांट को भी आप रूट डिवीजन से जो है बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसमें देखिए इसके बराबर से ढेर सारे प्लांट निकलते हैं, इनकी रूट्स को अलग अलग करके आप ढेर सारे प्लांट्स इंसुलिन के भी बना सकते हैं। इसी लिस्ट में जो है जो आपका मिनी स्नेक प्लांट होता है उसको भी आप देखिए, इसके बराबर से ढेर सारे प्लांट्स निकल जाते हैं जिनकी रूट्स को डिवाइड करके आप हजारों प्लांट्स बना सकते हैं, और ये बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट होता है। इसे बस आपको अब इस टाइम बारिश से बचाना होगा, बहुत ज्यादा बारिश में इसकी रूट्स खराब हो सकती हैं, तो इसे थोड़ा सा आपको शेड में रखना होगा, लेकिन बाहर ही रखें क्योंकि इस टाइम पर इसमें बहुत सारे प्लांट्स जो है नए नए प्लांट्स बन रहे होते हैं। तो पिछले साल तो मैंने इसको बाहर ही छोड़ दिया था और इसका कुछ बिगड़ा नहीं क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, तो इस बार भी अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है, सिर्फ दो बारिश होने के बाद बिल्कुल ऐसे ही रुका हुआ है। उसके बावजूद भी मेरी जो कटिंग्स मैंने लगाई थी वो काफी हद तक चल पड़ी हैं। तो ये देखिए, ये आपको किसी भी तरह का मिनी स्नेक प्लांट हो या लंबे वाली स्टेम्स वाला अगर स्नेक प्लांट है, दोनों ही स्नेक प्लांट को आप बहुत अच्छे तरीके से रूट डिवाइड करके लगा सकते हैं कि ये रात और दिन दोनों में ही ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करता है। तो आप इसको इंडोर भी लगा सकते हैं, आउटडोर भी लगा सकते हैं, काफी दिन तक जो है इंडोर चल जाता है। 3-4 महीने इंडोर रखने के बाद आप इसको थोड़े दिन के लिए बाहर जरूर रखें। पर्पल हर्ट तो किसी छोटे से कंटेनर में, बेकार से कंटेनर में भी लगा देते हैं तो उसको भी सजा देता है, और इसकी भी अगर आपने एक कटिंग लगा दी तो ये पूरे के पूरे कंटेनर को भर लेगा। कैसा भी कंटेनर हो, कैसा कहीं पर भी जो है ये बड़ा अच्छा चल जाता है। और बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स के बीच में जब ये पर्पल कलर का प्लांट लगा होता है तो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और जब इसमें से होती है फ्लावरिंग, इसमें फ्लावरिंग भी कई बार होती है, पिंक कलर के बहुत ही सुंदर से फ्लावर्स इसमें से आते हैं। इसको भी आप रूट डिवीजन के द्वारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्लांट है वो कैना लिली का होता है, और कैना लिली के बराबर से भी देखिए आप ढेर सारे जो है प्लांट्स निकल जाते हैं जिन्हें आप, जिनकी रूट्स को डिवाइड करके आप जो है बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और अगर आपसे, और इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो डाली हुई है कि आप इसे जो है कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इसकी रूट को डिवाइड करके भी किया जा सकता है, और इसकी स्टेम कटिंग भी अगर आप लगा देते हैं तो वो भी जो है चलने के काफी चांसेस होते हैं। तो ये पर्पल पत्तों वाला भी बहुत प्यारा प्लांट होता है जिसे आप कटिंग से तो लगा ही सकते हैं। देखिए कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, वो भी चल गई हैं, और इसके बराबर से देखिए नए नए प्लांट्स भी निकल आए हैं। ये पूरे गमले को भर लेता है और इसकी पर्पल लीव्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। ये इंडोर भी चल जाता है, ये इंडोर प्लांट्स में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका कलर अंदर जाने के बाद भी गायब नहीं होता है, लेकिन जब आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो इसकी लीव्स का कलर ग्रीन हो जाता है। मिनी स्नेक प्लांट के साथ साथ जो है इसकी जो बड़ी वाली वैरायटी, लंबी वाली वैरायटी होती है स्नेक प्लांट की, वो भी जो है आप रूट डिवीजन के द्वारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कहा जाता है कि अगर स्नेक प्लांट को आप हर 5-5 फीट की दूरी पर अपने घर में लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा, एक आपके लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिल जाती है। एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी ले लीजिए आप, हमेशा ही आप उसको रूट डिवीजन के द्वारा लगा सकते हैं। डेविल बैकबोन को भी आप रूट डिवीजन से बहुत सारा कर सकते हैं, हालांकि इसकी कटिंग भी लग जाती है, और देखिए ये कटिंग का भी अपडेट साथ साथ ही दे रही हूँ, इसमें से लीव्स भी निकलनी स्टार्ट हो गई है, और ये तो मैंने हफ्ते पहले ही लगाया था। नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो होता है लेमन ग्रास का। लेमन ग्रास के प्लांट को तो आपको रूट से डिवाइड करके ज्यादा करना ही करना चाहिए क्योंकि आप किसी को दे भी सकते हैं, और आपके घर में ये जितना ज्यादा लगा होगा, जितने गमलों में ये लगा होगा उतना ही अच्छा रहेगा क्योंकि आप इसको यूज भी करते हैं। तो अभी मैंने इसकी कटिंग नहीं की है, अब मैं इसकी कटिंग करके जो है किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लूंगी जिससे कि मैं इसकी जो चाय है वो डेली पिया करेंगे, जिससे कि हमारा जो पेट है वो नहीं निकलता है और आपके जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो भी आपके शरीर से दूर हो जाते हैं। और ये देखिए, ये है सिंगोनियम की वैरायटी। सिंगोनियम की किसी भी वैरायटी को आप रूट डिवीजन से भी लगा सकते हैं, आपको इसमें जो है एरियल रूट्स भी हालांकि इसमें निकलती हैं उससे भी आप लगा सकते हैं, तो सिंगोनियम की तो हर एक वैरायटी ही लग जाती है। नेक्स्ट आ जाता है पाम। देखिए अरेका पाम को भी आप रूट डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत सारी सूखी सूखी लीव्स हैं जिन्हें ये मैं अब हटाने और कट करने वाली हूँ क्योंकि बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, मॉइस्चर स्टार्ट हो गया है, तो अब ये सूखी ही लीव्स जो है आपके पौधे में फंगी जो है लगा सकती है। तो इसकी भी देखिए एक स्टेम थी और इसकी 3 स्टेम फिर से निकल आई हैं, और मैं हर बार इसकी 2 स्टेम निकाल कर किसी ना किसी को गिफ्ट करती हूँ क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं होती कि इतने सारे प्लांट्स आप इकट्ठे ही कलेक्ट कर सकें, और सभी के लिए जो है ऑक्सीजन का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं इन प्लांट्स को भी देती रहती हूँ। नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो भी काफी महंगा प्लांट है, वो है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट के बराबर से भी ढेर सारे छोटे छोटे से मिनी मिनी से प्लांट्स निकल आते हैं जिनकी रूट्स को डिवाइड करके जो है आप बहुत सारे प्लांट्स बना
लगा सकते हैं। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैंने काफी पहले डाली थी। अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा से इसके रूट्स कैसे डिवाइड करते हैं, उसको बहुत ही सावधानी से डिवाइड किया जाता है, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये देखिए एग्लोनिमा की जो है मैंने ये कटिंग्स लगाई थी अपनी फ्रेंड से लेकर। ये काफी महंगी वाली वरायटी थी एग्लोनिमा की, और इनमें से जो है आपको नए शूट्स भी नजर आने लग गए होंगे। ये देखिए पिंक वाली एग्लोनिमा है, इसको भी आप रूट डिवीजन के द्वारा जो है काफी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इसमें से कई सारी जो है रूट डिवाइड करके कहीं ना कहीं दे चुकी हूं और बहुत आराम से वो चल जाती हैं। और ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा, इसके बराबर से भी प्लांट निकलते हैं। सारे ही एग्लोनिमा जो कि काफी महंगे और कॉस्टली आते हैं, 200-250 से स्टार्ट होते हैं, कोई कोई तो इसे 300 तक भी देता है। ये सारी की सारी जो वैरायटी होती है उसके बराबर से नए नए जो है बेबी प्लांट्स निकलते हैं। आप उनको जो है रूट्स को डिवाइड करके आप उनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने गार्डन में काफी सारे कर सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ढेर सारे आप महंगे प्लांट्स को भी अपने गार्डन में बना सकते हैं, वो भी बिना एक रुपया भी खर्च किए। रेन लिली का प्लांट जो है वो भी आप जो है रूट डिवाइड करके काफी सारा बना सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं। और इसकी कई सारी फ्लावर्स की वैरायटी भी आपको जो है पता ही होगी कि रेन लिली के प्लांट को भी आप रूट से डिवाइड करके काफी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।